अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर कल जो है फेसबुक साथ में इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जो है डाउन हो चुका था। वो उसका लिंक पूरी दुनिया में जो है डाउन हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में हुआ था, लोग समझ रहे थे कि पाकिस्तान में ऐसा हुआ है, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर ये मसला दरपेश आ गया था। असल में हुआ क्या होगा ये मेरी अपनी तजवीज़ है, मुझे नहीं पता कि ऐसा हुआ है नहीं हुआ है, हैक हुआ है, क्या मैटर था, लेकिन ये मुझे मालूम है कि लिंक जो डाउन होता है वो इसलिए होता है कि अगर उसके ऊपर दबाव पड़ जाए या कोई साइबर क्राइम की तरफ से कोई ऐसा अटैक होता है, जो लोग क्रिमिनल होते हैं जो इन चीज़ों को अपने उसमें वश में करना चाहते हैं, तो वो जो है हो सकता है मे बी। लेकिन डाउन होने की एक वजह मैं जहां तक मैं समझता हूं कि मे बी ऐसा हुआ हो कि बेक वक्त उसके ऊपर इतना बर्डन पड़ गया हो कि वो जो है डाउन होता गया और किसी का ना मैसेज जा रहा है, ना ऑन हो रही है, ना वेबसाइट खुल रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, यानी कि नेट चल रहे थे। और यहाँ पे लोगों ने ऐसी गलतियाँ भी की कि लोगों ने अपने मोबाइल जो है रिस्टोर कर दिए, किसी ने ऑन ऑफ किया, किसी ने जो है कहा कि ये कर दो, अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करो, ऐसा भी लोगों ने किया। लेकिन ये सारा इशू नहीं था। इसी तरीके से बीच में अगर बात की जाए पाकिस्तान के अंदर सिंध सूबे की अगर बात की जाए तो वहाँ पे IPA टेस्ट यानी टीचरी का टेस्ट था, तो उसके मुतल्लिक जो है फॉर्म भरे जा रहे थे, तो उस लिंक को भी जब ओपन किया जा रहा था उसके ऊपर भी जो है वो वेबसाइट ओपन ही नहीं हो रही थी, रीलोड ही नहीं हुआ करती थी। ठीक उसी तरीके से यहाँ भी ऐसा ही कुछ समझ लें कि जब उसके ऊपर इतना ज़्यादा वजन पड़ गया तो ओपन ही नहीं हो रही थी। अब हो सकता है कि कोई ऐसा ही दबाव पड़ा हुआ है वो उस नेटवर्क के ऊपर जिसकी वजह से वो ओपन नहीं हो रही, तो उस पे IT वालों ने उन्होंने मैसेज भी चला दिया कि हम लोग इसके ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं, तो ये लिहाजा चल जाएगा। तो उसके बाद वो चल गया, सुबह उठे तो सबका नेटवर्क भी चल रहा है, इंस्टाग्राम भी चल रहा है, सब कुछ। लेकिन अलबत्ता ट्विटर बरकरार रहा, उसके ऊपर ट्रेंड भी चले व्हाट्सअप फेसबुक पे और इंस्टाग्राम के ये डाउन हो चुके हैं इस मुतल्लिक, और उन्होंने जो है एक ही मैसेज बैकवर्ड सेम मैसेज कॉपी पेस्ट कहा जाए तो उन लोगों ने एक ही मैसेज चला दिया। व्हाट्सअप वालों ने भी, फेसबुक वालों ने भी, इंस्टाग्राम वालों ने भी सेम मैसेज चला दिया, क्योंकि व्हाट्सअप और फेसबुक जो है अपने एक ही पार्टी के हैं, तो उसने तो कहा जा सकता है। लेकिन इंस्टाग्राम की मुझे नहीं समझ आई कि उसका मैसेज कैसे चला और किसने चलाया, या वो भी कॉपी करके भाई डाल दिया गया। खैर, लेकिन इनकी टेक्निकली जो चीज़ें होती हैं जैसे नेटवर्क और भी जाम हो जाते हैं, वेबसाइट्स वगैरह जो है हैक हो जाती हैं तो उनको बहाल किया जाता है, लेकिन IT काम करने वाले लोग जो हैं वो अपना काम भी कर रहे होंगे। इस वजह से भी कहा जा सकता है कि टेक्निकली उन्होंने कोई वर्कआउट करना हो इन वेबसाइट्स के ऊपर या इन चीज़ों के ऊपर, तो उसकी वजह से भी कहा जा सकता है उनकी अपनी तरफ से, ये भी कहा जा सकता है। बर्डन के हवाले से इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि बर्डन अगर उसके ऊपर पड़ता तो ईद वगैरह का जैसा मौका था उसके ऊपर वो डाउन हो जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जहाँ तक मुझे ख्याल यही पड़ता है कि उनके अपने सिस्टम में कोई वर्कआउट हुआ होगा जिसकी वजह से ये सारा कुछ हिल गया और ये सारा कुछ डाउन चला गया। इस पर कोई हैरत की बात नहीं है, कोई परेशानी की भी बात नहीं है, क्योंकि ये दोबारा चल भी रहा है, सब कुछ सिस्टम भी ओके हो चुका है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।